हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। और ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स का जो कट ऑफ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो रिलीज कर दिया गया है। दो चरणों में कट ऑफ आया हुआ है। अभी भी मैंने न्यूज़पेपर देखा तो मुझे जाकर के ये चीज़ें पता चली, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं की गई थी। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे हाई कट ऑफ इस बार आया हुआ है। इतना कट ऑफ जल्दी नहीं आता है ऊपर, तो दो चरणों में बेसिकली कट ऑफ है। और कैसे कैसे काउंसलिंग आपको देखनी, कौन कौन सी डेट है, मैं एक बार न्यूज़पेपर मेरे हाथ में है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से है। तो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बीएससी मैथ का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। कल से ऑनलाइन प्रवेश आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और पहला चरण जो है वो 6 नवंबर को सभी, जितने भी हमारे 6 नवंबर को जितने भी 182 नंबर वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल हो, एससी एसटी, कोई भी हो, ओबीसी, वो जाकर के एडमिशन ले सकते हैं 182 मार्क वाले। और एसटी वर्ल्ड के लिए जो है वो हमारा वर्ग के लिए हमारा 92 मार्क्स रखा गया है। और सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है। सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच विकल्प चयन और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। 7 नवंबर को सुबह 10 से 11 बजे आपको जो है सीट आवंटन, और 8 नवंबर को जो है आपको शाम 5 बजे तक फीस जमा करनी होगी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा चरण जो आपका है, दूसरे चरण में 7 नवंबर को होगा। सभी वर्ग 182 व उससे अधिक, एसटी वर्ग के लिए 92 अंक रहेंगे उससे अधिक अंक, तथा ओबीसी में 165, मतलब दूसरे दिन ओबीसी का भी कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। तो जितने 182 वाले ओबीसी हैं वो पहले चरण में ले लेंगे, लेकिन जितने 165 वाले ओबीसी हैं वो दूसरे चरण में जा करके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और उसके बाद सुबह 8 से शाम 4 बजे तक के बीच में वेबसाइट में आप अपलोड कर सकते हैं दस्तावेज वगैरह। 8 को सुबह 10 से 11 बजे तक सीट आवंटन, और 9 को शाम 5 बजे तक फीस जमा हो जाएगी, मतलब आपका एडमिशन शाम के 9 बजे तक, आई थिंक, हाँ 9 तारीख को शाम 5 बजे तक, ओके 9 तारीख को शाम 5 बजे तक आपका हो जाएगा। और बाकी जितने भी लोग ऐसे हैं जो बीए के वर्ग के हैं, बीएससी और हैं और कट ऑफ में हैं, या थोड़े कम मार्क्स आए हैं, वेट करिए, आप लोग का भी कट ऑफ में नंबर आएगा। लेकिन इतनी बात ध्यान में रखना कि पिछले कट ऑफ से ज़्यादा आएगा इस बार का कट ऑफ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हुआ था आपको, पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि भाई देखो लॉकडाउन था, बच्चों ने पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो जाहिर तौर पे कट ऑफ तो हाई आना ही था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चलो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियोज़ देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।